नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास खबर। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है और देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90 फीसदी भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है, नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे, आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओबरा तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।